द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग पिछले 7-8 महीने से कर रहे थे, वो परीक्षा आज हो चुकी है और उसका यहाँ पर हम लोग 50 नंबरों का जो पहला पेपर था यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र था, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया चलिए, आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो अब बीते हुए वक्त की बात हो चुकी है, लेकिन अपने हम आंसर शीट को देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। और यहाँ पर जो आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये डी आपको जो ए बी सी डी में डी सीरीज मिली थी उससे लिया गया है। ठीक है, और तो ए बी और सी वाले में कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता है उसका जो है जो आंसर रहेगा वो विकल्प चौथा वाला 74.04% होगा। हम लोग सिर्फ आंसर बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि समझने और समझाने का काम खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर का प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है, 2000, 5000 और 500 और 1000 करोड़ में आपका जो आंसर रहेगा वो 1000 करोड़ होगा दूसरे प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें क्या आंसर हो सकता है, इसमें जो आपका पहले वाला इसमें आपका जो पहला वाला विकल्प है ए और सी दोनों, तो यही वाला ए और सी दोनों, यही वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता के बारे में बात करते हैं, तो जैव विविधता में आपका क्या सही रहेगा थोड़ा सा अपने मन से भी बताने की कोशिश करिए। तो देखिए, जैव विविधता में हजारों बार आपको बताया गया है कि जब भी आपको एक विकल्प मिले और वो विकल्प कौन सा हो ये सभी, तो इसको लगाने की कोशिश करिए। लगभग 75% प्रश्नों में यही सही होता है, तो चौथे प्रश्न में आपका तीसरा वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न बच्चों वाला प्रश्न है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने के लिए डेसीमीटर नहीं डेसीबल जो इकाई होती है वो सही होती है। ये सी वाला हमारा, मतलब सी मतलब तीसरा विकल्प हमारा सही रहेगा। छठे नंबर चलते हैं, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था, तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, इसमें जो निशान लगा है उसको नहीं देखना है, ये तो किसी बच्चे का कॉपी है तो वो निशान लगा के आया है तो इसको नहीं देखना है, जो हम निशान लगा रहे हैं उसको देखना है। यहाँ पर आपका 1564 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले पृष्ठ पर, 1938 में कौन अध्यक्ष थे, तो ये आपका इसमें सही निशान लगा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस थे और 1939 में इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर में आपका क्या सही रहेगा, 1867, 1874 और उसके बाद 1878, 1870, तो यहाँ पर आपका जो सही होना चाहिए वो 1874 होना चाहिए, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे, नौवें नंबर के प्रश्न में आपका क्या सही हो सकता है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, तो किसने किया था, मतलब इसको पढ़ने योग्य किसने बनाया था, जेम्स, यहाँ पर निशान नहीं लगा है लेकिन जेम्स प्रिंसेस विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दसवें नंबर पर, इसमें आपको कौन सा वंश पहले आया है कौन सा वंश बाद में आया है ये बताना है, तो देखिए यहाँ पर हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद सुंग आएंगे और उसके पहले नंद होगा फिर हर्यक होगा, यानी कि कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है, तो उम्मीद है यहाँ पर जो निशान लगाया गया है ये सही निशान है, ये तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ये जो तीसरा निशान लगाया है बच्चे ने ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये यही वाला तीसरा वाला यहाँ पर विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर, वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबको पता है वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, एक मिनट, हाँ तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है ये बताना है, तो वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो सही निशान लगा है इस बच्चे ने, तो विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर, तो अगला जो नंबर है वो कौन सा है भैया, कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती, इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आज जो भी पेपर आया था उसमें नहीं शब्द पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प नर्मदा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, यहाँ पर जो भारत में आया था ये 1946 में आया था, महीना कौन सा था, मार्च था,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न पर। बच्चों वाला प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति जो है किस सभा का या किस सदन का सभापति होता है। तो सबको पता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही निशान लगाया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 15 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या हो सकता है, तो 11 नंबर में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, टोटल होती हैं 29, ठीक है। और जो 16 नंबर का प्रश्न है उस पर ये जो निशान है बिल्कुल सही है, 17-28 रहेगा। 17 नंबर के प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो निशान लगा है ये चौथा वाला, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। 18 नंबर पर आइए, 18 नंबर पे ये जो निशान लगा है 10 किलोमीटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और 19 नंबर का प्रश्न, एक मिनट हमें देखना पड़ेगा क्या सही हो सकता है। तो 19 नंबर के प्रश्न में आपका क्या सही होगा, और 19 नंबर के प्रश्न में आपका 95 सही होगा। इसको देखना पड़ेगा, एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा। वैसे 95 यहाँ पर हमें सही लग रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर के प्रश्न में सरयू नदी, ये जो सादृश्यता बतानी थी ये बिल्कुल सही है। आगे अपने जीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं और 21 नंबर से आगे बढ़ते हैं क्या है हमारा। तो आगे अपने उसमें बताना है कि ये जो जीएसटी आया था ये कब आया था, तो अप्रैल 2007 या जुलाई 2007, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो निशान लगाया गया है अप्रैल 17 में, ये बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल और 2017, ठीक है। पुदुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो किसके अधीन आता है, तो पुदुचेरी का जो हाई कोर्ट है मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और केरल। तो ये आपका, एक मिनट, तो 22 नंबर में यहाँ पर जो आपका मद्रास निशान लगा है ये आपका बिल्कुल सही है। ये चेन्नई के अंतर्गत में आता है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है ये आपका जो विकल्प है ये वाला मद्रास वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर में 23 नंबर का प्रश्न आ चुका है और इसमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो 23 नंबर में एक मिनट विकल्प पढ़ने दीजिए। यहाँ पर आपका तीसरा वाला, केंद्र में द्वैत शासन, ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर, तंजौर में बृहन्नाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका राजा राम ने कराया था। तो राजा राम कहाँ पर हैं भैया, राजा राम जो हैं, राजा राम प्रथम आपके 4 नंबर पर हैं। अटल नवाचार योजना जो मिशन है ये किससे संबंधित है, तो अटल नवाचार जो मिशन है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये जो निशान लगाया गया है ये आपका, एक मिनट, ये जो निशान लगाया गया है ये निशान बिल्कुल सही है, उद्यमशीलता और विकास से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर, जो मृदा जल को वहन करती है, जल द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल सही निशान लगाया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 27 नंबर पर। तो 27 नंबर में इस यहाँ पर जो निशान लगा है भोजन श्रृंखला, ये निशान बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, तो इसको बैंथिक कहते हैं। ये भी इसमें निशान बिल्कुल सही लगा हुआ है, बैंथिक विकल्प दूसरा वाला आपका सही रहेगा। 29 नंबर पर चलते हैं, एक पावर हाउस का सामर्थ्य इतना है, ये तो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को देखना पड़ेगा क्या इसका आंसर होगा, लेकिन अगर इसमें हमें देखा जाए तो जो हमारा सही लग रहा है, अगर अंदाजे से आंसर लगाना चाहें तो 4800, यही आपका जो मेगावाट, यही आपका आंसर सही रहने की उम्मीद है। वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 30 नंबर का प्रश्न तो आप सभी के लोगों को रटा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी में कब मनाया जाता है भैया, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर में आपका दूसरा वाला जो सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर पर बढ़ते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें जो है दूसरा वाला जो आपका मतलब विकल्प है ये सही रहेगा। अगले 33 नंबर पर बढ़ते हैं, 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, सबसे आखिरी वाला बना है, क्या नाम इसका, लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर, ये क्रम से लगाना है कौन सी घटना कब हुई है, तो इसको क्रम से लगाना है। तो साइमन आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की डांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा 19 में, डांडी यात्रा करेंगे आपके 30 में,
तो क्या इसमें सही होगा? साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति तो 18 में ही हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये विकल्प फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई ये याद नहीं आ रहा है, तो फिरोज शाह मेहता ही इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। 1, 2 और 3 तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे यहाँ पर अगर हम लोग विकल्प लगाना चाहें तो इसको पहले वाले को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति, हाँ ठीक, पहले वाले को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी देखना, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। 35 नंबर पे बढ़ते हैं। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, और जो क्वेश्चन कौन सा है कि दामोदर सावरकर के बारे में, अभिनव भारत समाज की स्थापना इन्होंने किया था, और ये बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं सावरकर। ठीक है, तो पहला वाला इसमें हमारा जोड़ा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 36 नंबर के प्रश्न पर। तो वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वायरस जनित रोग कौन सा भैया? रेबीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफिक्स प्रदर्शन करता है? तो यहाँ पर ईसीजी करता है भैया फेफड़ा नहीं, हृदय। हृदय हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे 38 नंबर के प्रश्न में ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं समस्थानिक। पहला वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है भैया? तो टमाटर में टार्ट्रिक होगा कि सिट्रिक और मैलिक? तो ये दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। सिट्रिक और मौलिक वाला विकल्प ज़्यादा उचित रहेगा। और ये अगला पेरिस वाला 2015, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? पूर्ण हर घर में नल, हर घर में नल कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, थाई पूरन जो त्यौहार मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर में आपका, एक मिनट का समय दीजिए, पसीना बहुत निकल जाता है। तो हाँ, किसान कल्याण मिशन की शुभारंभ कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश बिहार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही आपका 80% उत्तर प्रदेश ही सही लग रहा है। हाँ यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ बचे हुए प्रश्नों को और सॉल्व कर लेते हैं। बुकर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? वो सम्मी बेन को दिया गया, सम्मी बेन को दिया गया था। कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सहतूत बांध है किस नदी पर है? तो सहतूत बांध कहाँ पर है भैया? सहतूत बांध आपका कौन सी पेक, इसको अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस एक मिनट, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का हमें समय दीजिए। हाँ, 45 नंबर के प्रश्न में वैसे अगर आप इसको करना चाहें तो ये पेक जो आंसर लगाया है बच्चे ने ये सही लग रहा है 80%, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर पर जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत के बराबर थी? तो ये अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पहले भारत का जो भूगोल है उसके पहले पन्ने पर ही लिखा गया है 17.5%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय कहाँ है भैया? कुमाऊं हिमालय है आपका विकल्प दूसरा वाला, सतलज और काली के बीच में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सबको पता है, खाद्यान्न से संबंधित है। कौन सा तट पर चक्रवात आते रहते हैं? तो चक्रवात उड़ीसा में भी आता है, बंगाल में भी आता है, केरल में ही आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है इसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि विभाग क्या इसको सही मानता है। वैसे इसमें पश्चिमी बंगाल ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मतलब चक्रवात वहीं आते हैं। तो बंगाल खाड़ी के सबसे नज़दीक कौन सा है भैया? बंगाल ही है। तो देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये आपका, क्योंकि ये तीनों सही हो सकते हैं, अरब सागर में केरल, बंगाल खाड़ी में उड़ीसा और बंगाल, ये दोनों शामिल। तो तीनों में से, इन तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। वैसे उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश वारिश होती रहती है, दिक्कत, यहाँ भी चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसको आयोग ही सही कर सकता है। और 50 नंबर में आपका जो प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो रेल खंड है वो उत्तर मध्य रेलवे खंड, बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे खंड आपका, उत्तर रेलवे खंड या उत्तर मध्य रेलवे खंड? तो वैसे यहाँ पर उत्तर रेलवे खंड, सॉरी, ये आपका, एक मिनट, उत्तर रेलवे खंड पहला वाला विकल्प इसके लिए सही रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एक अभी हम लोगों ने जो टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया उसमें से एक दो प्रश्न आपके इधर उधर हो सकते हैं, मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी के सारे प्रश्न बिल्कुल सही सॉल्व किए हैं, उसमें कोई दिक्कत या कोई डाउट की बात नहीं है। एक दो प्रश्न में कुछ हेर फेर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखा होगा कि जितने भी हम लोगों ने 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें से जो कुछ भी आपको प्रैक्टिस सेट में कराया गया था और जिस प्रकार से कराया गया था उस प्रकार से ही आपको आंसर आए हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न तो फैक्ट आए हैं, जो पढ़ाया था सेम वही आया है, यानी कि 50 नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 25% जो आपके प्रश्न हैं, सॉरी 25 टोटल 50 में से टोटल 25 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में से ही मिलेंगे। और आप सभी लोगों को बार बार बताया था कि आपके जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, बहुत ही आसान आएंगे और आप उसको कर लेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कराया था रीजनिंग में, अगर वो 20 प्रैक्टिस सेट आप में से किसी ने भी देखा होगा तो वो आप सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने पेपर देने में मज़ा लिया होगा और इन्जॉय करते हुए पेपर को दिया होगा और पेपर को बिल्कुल सही करके आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 50 नंबरों में किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।